दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ और नौ, नौ कुर्ता सेट मीशो हॉल अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस। काफ़ी हैवी हो गया, भारी हो गया, नीचे रख देती हूँ एक बार। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है मीशो हॉल, और मैंने भी अभी तक कोई भी कुर्ता सेट है ओपन करके नहीं देखा। मेरे लिए भी ये एक वो सरप्राइज़ होगा कि कैसे निकलेंगे। आपको पता है कि मीशो से कभी क्या ही रिसीव हो जाता है, मोस्टली तो अच्छा ही आता है मीशो से। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, एक बार नहीं रहा था अच्छा, बट मोस्टली अच्छा रहा है। और अभी नौ कुर्ता सेट मुझे कैसे रिसीव हुए हैं उनकी सबकी पिक लगा दूंगी क्या प्राइस में पड़ा है। तो चलो जल्दी से रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कुर्ता सेट पहले मैं खोल लेती हूँ, और साथ में मेरे को इनके प्राइस देखने पड़ेंगे, और मुझे कुछ नहीं पता कि किसी में से इसमें से क्या निकलेगा ना। तो फर्स्ट कुर्ता सेट मैं पहले खोलती हूँ। मेरे को ऐसा होता है कि ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। चलो जल्दी से खोलते हैं। अच्छा ये वाला, ये ग्रीन कलर का मुझे देखना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी दिन लगा देते हैं। अच्छा वाह, बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है सच्ची में। ये इसका प्लाजो, इसका प्राइस मैं अभी देख लेती हूँ। रेयॉन फैब्रिक है इसका, इस तरह से गोटा लेस लगी हुई है नीचे थ्री लेयर में, और सिक्स के करीब इसकी मोहरी है। इलास्टिक बैंड है वेस्ट पर आगे पीछे दोनों, और रेयॉन फैब्रिक है, और ये ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन, बहुत ही प्यारा कलर है। कैमरा में जो कलर दिखाई दे रहा है वही कलर मुझे रिसीव हुआ है। और ये इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी शिफॉन में है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। दुपट्टे की विड्थ भी अच्छी है, चारों तरफ से इस तरह से दुपट्टे में गोटा लेस लगी हुई है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा। सॉफ्ट है मटेरियल, प्योर शिफॉन में है दुपट्टा। दुपट्टे की जो लेंथ है वो कितनी है अभी मैं देख देती हूँ, 2.25 मीटर, 2.25 मीटर के करीब दुपट्टा की लेंथ है, बहुत ही प्यारा। और इसको मैंने मीडियम साइज़ में ऑर्डर दिया है। और अभी इसका हम कुर्ता देख लेते हैं। कुर्ता का इस तरह से आपको गले पे मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा। और अभी साथ में अपने इसको पहन के भी देख लेते हैं कि कैसा मुझे इसका फिट आया है। इस तरह से आपको बाजू पे इसके वर्क मिल जाएगा, लेस लगी हुई है, जरी वर्क है ये, सॉरी लेस नहीं है, जरी वर्क है। यहाँ पर भी नेक पे भी इस तरह से जरी वर्क है, बहुत ही प्यारा मीडियम साइज में। और ये वाला जो है ये फॉयल प्रिंट है, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, फॉयल प्रिंट है। और इस तरह से ये चौक पे टैसल्स लगी हुई हैं, और ये भी चौक पे इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी, सॉरी ये अलग से पट्टी लगा रखी है, और दामन पे भी बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, फैब्रिक काफ़ी अच्छा है। अभी इसको गाइज पहन के देखते हैं कि ये मुझे कैसा फिट आ रहा है। सो गाइज आप देख सकते हैं कि ये कुर्ता सेट मुझे परफेक्टली फिट आया है, काफ़ी लॉन्ग कुर्ती है। इसकी फैब्रिक क्वालिटी एंड एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी वजह से मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ। मॉडल की जो पिक दे रखी है रेफरेंस के लिए, उससे कलर का थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा अलग है कलर, बाकी वो कैमरा की वजह से हो जाता है। और यह कुर्ती मुझे कॉस्ट की है 727 रुपीज़ में। और गाइज आज का कलेक्शन अगर आपको अच्छा लग रहा है, और आई होप आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, उसके लिए आपका एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। हम खोल के देख लेते हैं कि वो कैसा है, इसको भी देख लेते हैं। जिस कलर में मैंने ये कुर्ता सेट ऑर्डर दिया था ये सेम कलर है, पहले वाले का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। और अभी इस कुर्ते का जो प्राइस है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, वैसे अभी बता ही देती हूँ कि क्या प्राइस है, सॉरी
470, इसका प्राइस है 470 इसका प्राइस है। और मीडियम साइज मैंने इसको ऑर्डर दिया था, और इस पे जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है सेम वैसी एम्ब्रॉयडरी, इसमें सारी एम्ब्रॉयडरी शो हो रही, थोड़ा सा डिफरेंट है एम्ब्रॉयडरी में, बट बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है ये वाला। सॉरी गाइज मैंने गलत बोल दिया, एम्ब्रॉयडरी सेम वैसी है जैसी पिक में है, वो मैंने दूसरा कुर्ता देख लिया, क्योंकि इतने सारे जब ऑर्डर देते हैं ना तो खुद को ही नहीं ध्यान रहता कि कौन कौन से ऑर्डर दिए हैं, तो खोल के भी नहीं देखे पहले तो इसलिए याद ही नहीं आया। तो सेम वैसी एम्ब्रॉयडरी है, तो हम इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, साथ के साथ इसका रिव्यू भी कर दूंगी ट्राई कर। सो ये वाली कुर्ती का कलर पर्पल कलर है और वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, और ये कुर्ती मुझे 490 में रिसीव हुई है, और इसका जो पैटर्न है वो नायरा कट है, फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, परफेक्टली फिट आई है, पर सभी के जो पैंट्स थे ना बॉटम वो सब मेरे को काफ़ी लॉन्ग आए हैं, एक ही बॉटम मुझे सही मतलब कि फिट हुआ, बाकी सब मुझे नीचे से कटवाने पड़ेंगे। और इसको भी मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी कुर्ती है। गाइज अभी तक तो दोनों कुर्ता सेट काफ़ी अच्छे निकले हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, इसका प्राइस 490 है, बाकी स्क्रीन पे जो चीज़ें रह जाएंगी ना छूट जाएंगी वो मैं मेंशन कर दूंगी, क्या इतना कुछ बताना होता है ना आधी चीज़ें छूट जाती हैं, तो इसको खोल के देखते हैं ये कैसा है, और साथ के साथ इसका प्राइस भी देख लेती हूँ कि कितने में मुझे रिसीव हुआ है। इसका प्राइस है 539, ये 539 है इसका प्राइस, और इसको देख लेते हैं ये कैसा है। जो मैंने अभी ये वाला है ना, ये बहुत ही प्यारा कलर है, जैसा एग्जैक्ट फोटो में दिख रहा था ना वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है, और अभी ये देख लेते हैं, ये भी बहुत ही प्यारा है। अभी जो इनका मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, ये दोनों का थोड़ा सा सेम सा कलर है ना, तो इसलिए मैंने माइक तो लगाया नहीं, आवाज़ नहीं आएगी, एक बार माइक लगा लूँ। तो हाँ गाइज इसको निकाल के देखते हैं ये कैसा है, इसका प्राइस है 555। मैं ना उधर वो उसमें फ़ोन में देखती हूँ प्राइस, तो ऐसे तो याद नहीं रहता, मुझे तो ध्यान भी नहीं है तो मैंने क्या क्या ऑर्डर दिया है। इस तरह से इसके नेक पे वर्क मिल जाएगा एम्ब्रॉयडरी, मीडियम साइज़ मैंने ऑर्डर दिया है, और इसको भी ट्राई करके ही मैं बता पाऊँगी कि कैसा मेरे फिट आया है। बाकी इसका फैब्रिक वगैरह की बात करें तो फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, पूरे पे इस तरह से प्रिंट हो रखा है, ये इस तरह से समोसा लेस लगी हुई है दामन पे चौक पे, और ये इसका बॉटम है, बॉटम भी इसका इलास्टिकेटेड है फ्रंट एंड बैक साइड से दोनों से, और इसके बॉटम पे इस तरह से बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडरी हो रखा है। और इसका प्राइस तो मैंने बता दिया 555, और मीडियम साइज़ मैंने ऑर्डर दिया है, और इसको भी चेक करते हैं कैसे है। सो गाइज आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फिट आया है इसका भी, फैब्रिक में इसका बता चुकी हूँ रेयन है, इसके भी इस तरह से आपको टैसल्स मिल जाएंगी, ये रही, और एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं, और प्राइस के अकॉर्डिंग हाईली रिकमेंड करती हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं अपने खुद के रिव्यू शेयर कर रही हूँ, काफ़ी मुझे अच्छा लगा प्राइस के अकॉर्डिंग, बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है। इस तरह से आप इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए, बहुत ही प्यारी है, और ज़्यादा इसकी तारीफ़ करूँगी तो वीडियो लंबी होती जाएगी, इसलिए नेक्स्ट हम कुर्ता सेट देखते हैं कि वो कैसे जल्दी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कुर्ता सेट की तरफ, और इसको पहले मैं वीडियो में दिखा नहीं पाई खोलते हुए ना, क्या बार बार सेटिंग चेंज करनी पड़ती है ना, तो इसको देखते हैं कैसा है, ये ब्लैक कलर का, हाँ याद आ गया इसका तो मुझे ध्यान है अच्छे से, ये शॉर्ट साइज में थी शायद, शॉर्ट कुर्ती थी शायद, अभी देख लेते हैं कैसी है, क्या प्राइस में है, और साइज इसका मीडियम है, सभी के मैंने मीडियम साइज़ दिए हैं, मेरी जो हाइट है वो 5.2 इंच है, सॉरी 5.2 है, और मैं बाकी अपना मेज़रमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसको चेकआउट कर लेना। पता नहीं आज बोलते बोलते बार बार मेरी जुबान क्यों अटक रही है। और ये इस तरह से पेपलम टॉप की तरह कुर्ती है, बहुत ही प्यारी ब्लैक कुर्ती, एम्ब्रॉयडरी वाइट कलर की, साथ में जो इसका बॉटम है वो वाइट कलर में है, उसको भी देख लेते हैं, अलग अलग से दोनों की पैकिंग है,
बहुत ही प्यारा, इसका बॉटम काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत ही अच्छा, वाओ फैब्रिक बहुत अच्छा है सच्ची में, पर मुझे लग रहा है ये मेरे बहुत लूज़ आएगा। ओ वाओ कितना बड़ा है ये, लूज़ आएगा पक्का, मैं बता देती हूँ ये मेरे लूज़ आएगा। चलो कुछ जुगाड़ करते हैं इसको पहनने का। फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका बॉटम का, कुर्ती का तो ठीक है प्राइस के अकॉर्डिंग, 476 में काफ़ी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग। सो गाइज़ ये भी बहुत अच्छे से फिट आई है कुर्ती, आप देख सकते हैं इस तरह से पेपलम टॉप है, नीचे भी यहाँ भी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, और इसका जो बॉटम है वो प्लेन है। फैब्रिक बॉटम का बहुत अच्छा है, मेरे काफ़ी लूज़ है, बाकी वो मैंने पहले भी बता दिया। और इस तरह से इसका फ्लेयर रहने वाला है, इसको भी प्राइस के अकॉर्डिंग मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, बहुत ही अच्छी है। सो नेक्स्ट कुर्ता सेट की तरफ बढ़ते हैं, वो कैसा है गाइस? अभी तक तो सारे अच्छे हैं। अगर मेरा वीडियो ज़्यादा मुझे लंबा लग रहा तो मैं इसको दो पार्ट में अपलोड करूँगी, अगर नहीं तो एक में ही। और इसकी तरफ बढ़ते हैं हम, और इसको अभी प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, देखने पे याद आता है कि क्या ऑर्डर दिया था। अच्छा मैंने ना पर्पल के जैसे कलर था ना, इसमें तीन थे, वो थोड़ी शेड्स तीनों की अलग अलग थी, तो इसलिए मैं पहला जब देखा था ना पर्पल कलर में तो कंफ्यूज हो गई थी। हाँ ये वाला था डार्क कलर में, एक बहुत ही प्यारा, वाओ सच्ची में इट्स अमेजिंग। आप ऐसा सोचोगे कि मैं ना इन कुर्ता सेट को देख कर बोल रही हूँ वाओ, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की क्वालिटी होती है, इसलिए मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ कि प्राइस के अकॉर्डिंग सच्ची मीशो काफ़ी अच्छा अपने को स्टफ भेज देता है, पर कभी कभी कुछ भी भेज देता है। तो ये देख लेते हैं, इस तरह से नेक पे एम्ब्रॉयडरी, बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी आप इसकी देखिए। कलर भी इसका पर्पल कलर, कैमरा में इतना अच्छा नहीं आ रहा, रियल में सच्ची में बहुत ही प्यारा है। और इस तरह से इसके दामन पे भी है एम्ब्रॉयडरी, बाकी ट्राई इसको करके देख सकते हैं। इसके साथ भी दुपट्टा नहीं है, और कॉटन इसका भी रियोन है, और ये रियोन स्लब है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है बॉटम पे इस तरह से इसके भी, और बॉटम की जो मोहरी है इतनी है, इलास्टिकेटेड है फ्रंट और बैक से, और पॉकेट है, दूसरों के भी पॉकेट थी मैंने मतलब कि बताया नहीं, ध्यान नहीं दिया, इसके भी पॉकेट है। और अभी इसको भी गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फिट आया है इसका भी एम्ब्रॉयडरी, आप देखिए इसकी काफ़ी नीट एंड क्लीन है इस तरह से, स्लीव पे भी बहुत ही अच्छी है एम्ब्रॉयडरी, और फैब्रिक बहुत अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एम्ब्रॉयडरी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसको भी मैं प्राइस के अकॉर्डिंग हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, कलर भी बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट कुर्ता सेट देख लेते हैं हम कैसा है। एक्चुअली गाइज मैंने ना वीडियो ऑन करना स्टार्ट मतलब कैमरा को स्टार्ट करना भूल गई, और मैंने इसको खोल लिया, बस खोला ही है अभी, पैकिंग से नहीं निकाला और देखा भी नहीं है इसका फैब्रिक क्या है, बस कलर दिखा था मुझे येलो, तब मुझे मैंने जाके कैमरा में देखा, कैमरा तो मैंने ऑन ही नहीं किया। तो इसका जो फैब्रिक है रेयन है, इस बॉटम का फैब्रिक ज़्यादा अच्छा नहीं है, सी थ्रू है फैब्रिक काफ़ी, और ये ऑफ वाइट कलर में है, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है, और जो कुर्ती है वो नायरा कट में है क्या, नहीं नायरा कट में नहीं है, इस तरह से यहाँ पे गैदरिंग्स है, और कुर्ती का कलर काफ़ी अच्छा है, इस तरह से आपको यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी हो रखी है, और स्लीव्स हैं, स्लीव पे भी इस तरह से वर्क हो रखा है, बाकी इसको पहनने पर इसका पूरा लुक पता चलेगा, काफ़ी अच्छा खासा फ्लेयर है। कुर्ती का कलर बहुत प्यारा है, प्रिंट भी बहुत प्यारा है। अभी हम कुर्ती देखते हैं, तो गाइज आप इस कुर्ती को देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी है कुर्ती, और इस तरह से यहाँ पे ये देखिए डिज़ाइनिंग हो रखी है, और यहाँ पर भी नेक पे भी लेस लगाई हुई है, तो यहाँ पे इस तरह से गैदरिंग हो रखी है, और कुर्ती के नीचे इस तरह से लेस लगा रखी है, क्रोशिया लेस है, ये भी क्रोशिया लेस है, प्रिंटेड कुर्ती है फ्रॉक स्टाइल में, और बॉटम पे एम्ब्रॉयडरी है, काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन है, बस जो बॉटम का फैब्रिक है वो थोड़ा सा सी थ्रू है, और वो इतना दिखाई भी नहीं देता क्योंकि यहाँ तक लॉन्ग कुर्ती आ गई, वो नीचे से सिर्फ थोड़ा सा
7-8 इंच के करीब दिखाई देता है, और इतने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी काफ़ी अच्छी है। ये कुर्ती मुझे 480 में रिसीव हुई है। दुपट्टा इसके साथ भी नहीं है और परफेक्ट फिट आई है। कभी मैं माइक लगाना भूल जाती हूँ, कभी कैमरा ऑन करना, अब तो हो गया ना सब। हाँ ठीक है, नेक्स्ट कुर्ता सेट हम देखते हैं नेक्स्ट कैसा है। अब भी आपके सामने ही खोलूँगी इसको। अच्छा, ये लाइट ब्लू कलर में था। हाँ, इसका भी मुझे ध्यान है अच्छे से, और इसको जल्दी से जल्दी खोलते हैं जल्दी से। इसका भी जो बॉटम है वो वाइट है, वो तो ऑफ वाइट था, ये प्योर वाइट है। और इस तरह से क्रोशिया लेस, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये बॉटम। और ये बॉटम बिल्कुल सी थ्रू नहीं है, उससे मतलब अच्छा है ये बॉटम। और कुर्ती का फैब्रिक देखते हैं कैसा है। कुर्ती का फैब्रिक है ना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा ना मुझे लो क्वालिटी का लग रहा है फैब्रिक। बाकी इसका प्राइस देखते हैं, चेक करते हैं कि प्राइस है क्या है, प्राइस के अकॉर्डिंग फिर मैं इसका अभी बताती हूँ आप। कुर्ती का जो प्राइस है वो 480 है। 480 के अकॉर्डिंग ये कुर्ती थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी महंगी है, क्योंकि कुर्ती का जो फैब्रिक है ना उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वैसे तो ये प्रिंटेड कुर्ती है और सी थ्रू है थोड़ी सी कुर्ती, और वैसे जो इसकी सिलाई स्टिचिंग वगैरह कर रखी है ना वो नीट एंड क्लीन है, तो इससे इसका ऐसे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। बट थोड़ी सी कुर्ती की क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि अपने ऑलरेडी इस प्राइस में काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी में कुर्ती रिसीव हुई है। और इसको भी ट्राई करके देखते हैं कि इसका फ़िट वगैरह कैसा है। तो गाइज आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसके भी मेरे परफेक्ट फिट आई है कुर्ती, फिट बिल्कुल अच्छा है। और आप इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए, बहुत ही नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी है इसकी, और फैब्रिक की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, थोड़ा सा सी थ्रू है। अब कैमरा में तो अच्छे से कैप्चर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बाकी कलर का जो इसका कलर है ना कुर्ती का, बहुत ही प्यारा कलर है, और प्रिंट बहुत अच्छा है, और लुकिंग में बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे पर्सनली। बट इसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्वालिटी की वजह से मैं इसको मतलब रिकमेंड तो नहीं करूँगी। अगर आप चेकआउट फिर भी करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं, देख लेते हैं कैसी है। अभी तक तो सब अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने ऑर्डर दिया वो नहीं मिला मुझे। इसको भी देख लेते हैं कैसी है ये वाली। हाँ, इस कलर में भी मैंने ऑर्डर तो दी थी उसको, उसका प्राइस वगैरह मैं देख लूँ पहले फिर इसको खोलती हूँ। मस्टर्ड येलो कलर में है ये कुर्ती, और इसका नेक डिज़ाइन इस तरह से है, बैंड कॉलर नेक, और 3/4 स्लीव हैं। एम्ब्रॉयडरी बहुत ही प्यारी थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इस तरह से, और स्ट्रेट कुर्ती है ये भी, और इसका बॉटम भी वाइट है, और बॉटम पे कोई भी डिटेलिंग नहीं हो रखी। और इसको भी मैंने मीडियम साइज़ में ऑर्डर दिया है, और अभी हम इसको भी ट्राई करते हैं। आप इस कुर्ती को भी देख सकते हैं कि परफेक्ट फिट है इसका भी, बस थोड़ी सी यहाँ से इसकी स्लीव्स मुझे टाइट हैं, मीडियम साइज़ मैंने इसका ऑर्डर दिया है, और इसका जो बॉटम है ना वो मेरे बहुत ही फिट आया है, मतलब फिट तो सारे आए हैं बट वो दूसरे लॉन्ग थे, ये इतना लॉन्ग नहीं है, ये मुझे नहीं कटवाना पड़ेगा, दूसरे मुझे थोड़े से नीचे से कटवाने पड़ेंगे। और इसकी आप एम्ब्रॉयडरी देखिए, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, फैब्रिक इसका कॉटन है, फिट बहुत अच्छा है, और मस्टर्ड येलो कलर है। 470 में पड़ी है ये कुर्ती, और इसको भी मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, बहुत ही प्यारी है, फिट भी बहुत अच्छा है। सो गाइज अब लास्ट कुर्ती देख लेते हैं, अभी तक तो सब अच्छी है, और लास्ट को भी अभी ओपन करते हैं कि वो कैसी है। अच्छा ये वाला, क्योंकि अच्छा निकल जाए ना तो रिटर्न का चक्कर नहीं रहता, तो ये वाली कुर्ती। अच्छा ये ऑफ वाइट, सॉरी वाइट कलर में है, प्रिंटेड कुर्ती है, और इसको चेक करते हैं, नायरा कट में है ये कुर्ती।
नायरा कट में ही थी शायद, उस पे तो नायरा कट शो हो रहा था। हाँ नायरा कट में ही है ये कुर्ती, नायरा कट में है। बहुत ही प्रिंट बहुत प्यारा है और इसका फैब्रिक अच्छा है। और बाकी इसका प्राइस देखकर मैं बताती हूँ कि प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे कैसी लगी। मैं तो अपनी देखो राय शेयर कर रही हूँ कि मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग कैसी लगी। बॉटम का फैब्रिक तो बहुत अच्छा है, कुर्ती का भी फैब्रिक अच्छा है। और इसका प्राइस हम चेकआउट करते हैं कि कैसे क्या है। सो ये लास्ट कुर्ती है, इसका जो फिट है मुझे यहाँ से थोड़ा सा लूज़ आया है, मुझे इसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, बट स्लीव का फिट अच्छा है। और ये इस तरह से यहाँ पर डिटेलिंग हो रखी है और यहाँ पर भी फैब्रिक बॉटम के साथ का लगा हुआ है, साथ में बटन की डिटेलिंग छोटा सा कट दे रखा है। नायरा कट में है कुर्ती, कुर्ती का फैब्रिक अच्छा है। मुझे ऐसे पहले लगा था कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट बहुत अच्छा है। प्राइस के अकॉर्डिंग 550 में है और लाइट कलर में है कुर्ती। बॉटम का फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और इसमें आपको कोई भी पॉकेट नहीं मिलेगी, बॉटम में कोई भी पॉकेट नहीं है। और बाकी वैसे कुर्ती ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। 550 इसका प्राइस है, मीडियम साइज़ में मैंने इसको ऑर्डर दिया है। बाकी हर जगह से फिट है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल।